हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंबिका सुपर किचन की होस्ट और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे चॉकलेट सिरप की रेसिपी। ये एक इजी एंड सिंपल रेसिपी है जो हम बनाएंगे बोर्नविटा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बोर्नविटा 5 बड़े चम्मच के करीब, पिसी हुई शक्कर 1 बड़ा चम्मच, मिल्क पाउडर 1 बड़ा चम्मच। मिल्क पाउडर से थिकनेस एंड टेस्ट दोनों ही बढ़ते हैं। एंड लास्ट में हमें चाहिए होगा पानी आधा कप के करीब। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बोर्नविटा, मिल्क पाउडर और पिसी हुई शक्कर, तीनों को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप क्वांटिटी बोर्नविटा, मिल्क पाउडर एंड शक्कर की अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सिरप बनाना है तो। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि सब अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। तो इसके बाद अब मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, जितनी आप क्वांटिटी ले रहे हैं बोर्नविटा, मिल्क पाउडर एंड शक्कर की, उस हिसाब से। तो ये देखिए अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे और पतीले में हम अपना मिक्सचर डालकर इसे गैस पे रख के पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये मिक्सचर रेडी है। अब इसे हम रख देते हैं गैस पे और यहाँ पे आपको फ्लेम रखनी है बिल्कुल लो और इसे पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। बीच बीच में आप चलाते भी रहना सो दैट ये आइट साइड और बेस पे चिपके ना। इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है हर्शीज़ की चॉकलेट सिरप की तरह। एंड ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो आप कभी भी अपने घर पर बना कर यूज़ कर सकते हैं। बनाने में लगभग आपको लगेंगे 8 से 10 मिनट हार्डली। इसे आपको लो फ्लेम पे कुक करना है 8 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। और 10 मिनट के बाद, ठीक 10 मिनट के बाद आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अभी आपको ज़रूर ये पतला लग रहा होगा लेकिन ठंडा होने के बाद ये जो है धीरे धीरे गाढ़ा होना चालू हो जाता है। तो इसे अभी आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और रेफ्रिजरेटर में 20 मिनट के लिए रख देना। और बस आपका जो चॉकलेट सिरप है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग जहां आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।